कैसे निकल गया, 6 साल पता ही नहीं चला। कभी सोचा करते थे कैसे जिंदगी में गाड़ी आएगी, कभी सोचा करते थे जिंदगी में कैसे आगे मुकाम आएगा, कभी परेशान रहते थे कि पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। MBBS की पढ़ाई छोड़ दिया हूं, इस बिजनेस में लग गया हूं, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब से SLPS वेलनेस का साथ मिला और गुरु जी लोगों का गाइडलाइन मिला, सोचने की जरूरत ही नहीं मेरे पड़ी। मेरे दोस्त काम करते 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 जिंदगी में कभी सोचता था डायमंड बनेंगे, आज तो अपने टीम में 54 से ज्यादा डायमंड है। आया ना, अपने को टेंशन लेने की जरूरत, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन दुनिया वालों को देने का। आया ना, बाहर मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो आपसे तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, जो लोग आपको छेड़ने की कोशिश करते हैं। एक बार कोई बंदा मेरे पास फोन किया, बोला गुरुजी मैं बड़ा परेशान हूं, कोई इंसान मेरे से मिला, उसने इतने सारे क्वेश्चन पूछे मैं जवाब नहीं दे पाया। मैंने उसको लताड़ा, धर मेरे भाई, शेर को कोई छेड़ सकता है क्या? शेर को कोई छेड़ सकता है क्या? छेड़ते तो लोग उसे है जो कमजोर हो, जैसे कुत्ते का बच्चा कहीं जा रहा है कोई उसे दो लात मार देगा। आया ना, हिम्मत है तो शेर को छेड़ को देखो। शेर को छेड़ा तो, अगर हाथ से छेड़ा तो हाथ गायब, पैर से छेड़ा तो, और बिजनेस में छेड़ा तो तेरा बिजनेस गायब, तू आ जाएगा SLPS वेलनेस में। आया ना, यस या नो? हम लोग ऐसे लोग हैं क्योंकि हमें सर लोगों ने तराशा है। जिस इंसान की टीम में हम लोग आते हैं मेरे दोस्त, उन्होंने हिंदुस्तान नहीं दुनिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नक्शा बदला है। गर्व महसूस होता है, नहीं होता है? देखो मुझे तो बहुत होता है, मुझे तो बहुत गर्व महसूस होता है, और मुझे लगता है मेरी ताकत यही है, अपने को सोचने की जरूरत नहीं है। जब पीछे कई हजार पावर की इंजन लगी हुई है मेरे दोस्त, आगे कई हजार पावर हॉर्स पावर की इंजन लगी हुई है, तो अपने को सोचने की जरूरत है क्या? सोचने की जरूरत है क्या? तो सोचने का नहीं, बस सपने देखने का। सोचो मत, अगर SLPS में आए हो तो खुली आंखों से सपने देखो, जितना देख सकते हो उतने बड़े सपने देखो। और मेरे दोस्त मैं गारंटी बोल रहा हूं, वो सपने आपके पूरे होंगे। एक बार क्या था, एक इंसान किसी बैंक में गया हुआ था, उसने देखा कि बाहर एक भिखारी सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला हुआ है और खाली प्लेट में ऐसे लपेट कर मुंह में डाल रहा है, ऐसे प्लेट में लपेट के मुंह में डाल रहा है। उसने देखा यार प्लेट खाली, रोटी का टुकड़ा लेके ये मुंह में क्यों डाल रहा है? उसने पूछा, भाई साहब ये बता, प्लेट में कुछ है नहीं, तू रोटी निकालता है प्लेट में टच कराता है और मुंह में डालता है। उसने बोला, मेरे दोस्त ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरे प्लेट में चटनी रखा हुआ है, तो मैं रोटी का टुकड़ा उठाता हूं, चटनी में मैं महसूस कर रहा हूं कि चटनी में डुबाता हूं, खाता हूं। बोला, बेवकूफ, अगर तुझे महसूस ही करना है, अगर तुझे एहसास ही करना है तो चटनी क्यों कर रहा है? महसूस कर कि रसमलाई पड़ा हुआ है प्लेट के अंदर, तुम महसूस कर कि अच्छी अच्छी मांगोग पड़ा हुआ है प्लेट के अंदर। अरे जब सोचना ही है तो बड़ा सोचो ना, छोटा क्यों सोचना? यस या नो? अगर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है मेरे दोस्त, ऐसी छाप आपको देखने के लिए मिलते हैं, ऐसे ऐसे ट्रिप अगर आपको देखने के लिए मिलते हैं, और अगर SLPS वेलनेस ऐसी दुनिया ऐसी जिंदगी आपको अगर दो दो तीन दिन के लिए दिखाने जा रही है, तो मेरे दोस्त मैं आपसे एक वादा लेना चाहूंगा कि आज के बाद अगर सोचना ही है, महसूस ही करना है, तो अपने जिंदगी की सोच को बहुत बड़ा बनाओ। छोटे लेवल पे आप सोचने की जरूरत नहीं है, चिंदी चोरी में फंसने की जरूरत। सोच सकते हो? इधर वाले, इधर वाले, इधर वाले, इधर वाले, कैसा? बड़ा। कैसा? बड़ा। आज के बाद सोचना बड़ा है, बड़ा बड़ा सोचो, बड़ी बड़ी गाड़ी लो, बड़े बड़े चेक बनाओ और बड़ी बड़ी जिंदगियां एंजॉय करो। आर यू रेडी? तैयार हैं सारे लोग? दोस्तों मुझे पता है कि अगर मैं अभी ज्यादा बोलूंगा तो
कई लोग सोना शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी गुरुजी लोगों को भी सुनने का वक्त है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आज अगले 3 दिन के एहसास लेने के बाद आपसे लास्ट में यही मैं प्रॉमिस लेना चाहता हूं, अपने अपने जगह पे खड़े होकर ये वादा करो कि कुछ भी हो जाए यहां से जाने के बाद हम इतना काम करेंगे कि जो जो जिंदगी एसलीपीएस वेलनेस हमें दिखा रही है वो सारी जिंदगी हम अपने परिवार को दिखाएंगे। आर यू रेडी? ऐसे नहीं, दम लगाओ। आर यू रेडी?